मूंग के पापड़ खाने में भी काफी अच्छे लगते हैं और इनका टेस्ट तो खाना की अगर थाली में आपको एक मूंग का पापड़ मिल जाए तो फिर मजे ही क्या है, और अगर वो घर के बने हो तो फिर तो बात ही क्या है। टेस्टी से मूंग के पापड़ आज हम बनाएंगे। काफी एक एक मैंने आपके पास इसकी ट्रिक शेयर की है जो आपके पापड़ को काफी अच्छा और डिलीशियस बनाएगी। ये देखिए कितना अच्छा पापड़ हमारा बनकर रेडी हुआ है। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका डेली लाइफ में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही मूंग के पापड़ की रेसिपीज। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए होगी काली मिर्ची, ये छिलके वाली काली मिर्ची है। इसके हमें छिलके अलग करना होता है। अगर आप चाहें तो मार्केट से रेडीमेड छिलके निकली मिर्ची भी ले सकते हैं। इसको हमने एक ग्राइंड जार में ले लिया है और इसको पल्स मोड पर हमें थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक के इस तरह से घुमाना है तो इसके छिलके अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। फिर हमें इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है और जो नीचे इसका कचरा निकले इसको बिल्कुल नहीं फेंकना है क्योंकि ये काली मिर्च का ही पाउडर है। आप इसको सब्जी वगैरह में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और जो बड़े छिलके हैं उनको इस तरह से फटक कर आप निकाल दीजिए, काफ़ी इजीली निकल जाएगी। और हाँ, ये मैंने 2-3 बार इस तरह से इसको निकाला है तभी इस तरह से इसके सारे छिलके रिमूव हो गए। और जो नीचे का निकला हुआ पाउडर है उसको हम अच्छे से पीस कर फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। और जो ऊपर की हमारी मोटी मिर्ची है जो बिना छिलके की रेडी है, इसको या तो आप मिक्सी में थोड़ा दरदरा कर लीजिए या फिर आप किसी खलपत्ते में अच्छे से कूट लीजिए क्योंकि हमें इसे फाइन नहीं बनाना है। ये देखिए मैंने इसको मिक्सी में दरदरा किया और एक्स्ट्रा जो फाइन पाउडर उसको छान कर निकाल लिया। इसमें कुछ बड़ी बड़ी मिर्ची रह गई, इसको मैंने कूट कर थोड़े टुकड़े कर लिए क्योंकि अगर बड़ी मिर्ची रह जाएगी तो हमारे पापड़ फटेंगे। यहाँ पर पापड़ का आटा रेडी करने के लिए मैंने जितनी मूंग मोगर की दाल ली उसकी हाफ इसमें मैंने उड़द मोगर की दाल ऐड करके दोनों को मिक्स करके अच्छे से वॉश करके 2 पानी से सुखा के और इसका फाइन आटा मैंने पिसाकर रेडी कर लिया है। टोटल मेरे पास यहाँ पर यह 2.5 kg आटा यहाँ पर रेडी है। अब मैं इसके पापड़ बनाऊंगी। इसमें हमें ज़रूरत होती है पापड़ खार की। पापड़ खार हम मतलब 5 kg के अंदर 300 ग्राम पापड़ खार हमें यहाँ पर ऐड करना होता है। आप उसके अकॉर्डिंग इसको मेज़र करके डालिए। मैं यहाँ पर इसमें 2.5 kg के हिसाब से यहाँ पर करीब 150 ग्राम पापड़ खार अच्छे से मेज़र करके ले रही हूँ। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपको स्टेप बिल्कुल मेज़र करके लेना होगी, ना कम और ना ज़्यादा। और चीज़ आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन आपको ये फिक्स करके ही लेना है। पापड़ खार का हम अच्छे से हाथ से चूरा कर लेंगे और इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। और ये देखिए मैं यहाँ पर इसमें हींग ऐड कर लूँ। ये मेरी हींग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें 1 kg में पर 1 ग्राम डालती है। आप आपके अकॉर्डिंग कौन सी हींग है उसके हिसाब से आप इसमें 1/2 teaspoon या फिर 1 teaspoon हींग ऐड कर सकते हैं। और जो हमने काली मिर्ची दरदरी कूटी थी उसका देखिए मेजरमेंट 1 किलो पे हम 1 बड़ा चम्मच इसमें काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। और आप बाद में हम इसको टेस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो और ऐड कर देंगे। और 1/2 kg के लिए मैंने 1/2 tablespoon डाली है और 2 किलो के लिए 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्ची ऐड की है और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं ऐड करना है हमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये हमारा जितना भी आटा रेडी हुआ है इसको हम ढक कर रख देंगे और हमें जितना आटा चाहिए उतना लेके हम गूंद के पापड़ रेडी करेंगे। पहले हम थोड़ा सा आटा लेके इस तरह से गूंद लेंगे और इसको हमें टेस्ट करना होता है कि इसमें नमक मिर्ची हींग सही से है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें मिर्च नमक ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर मिर्ची कम लगी इसलिए मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच मिर्ची और ऐड कर दी। अब मैंने थोड़ा आटा ले लिया है जितना मुझे पापड़ बनाने के लिए इनफ लगा और इसका हमें टाइट डो रेडी करना है, पूरी के आटे से भी थोड़ा टाइट। अगर आप गर्मियों में पापड़ बना रहे हैं तो थोड़ा डो आपका ढीला भी चलेगा लेकिन सर्दियों वगैरह में इसका डो अच्छा टाइट चाहिए और ये हाथ में काफ़ी चिपकता है गूंथते टाइम, इसलिए आप किसी स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं इसको हाथ से छुड़ाने के लिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और हमें इस तरह से इसके छोटे छोटे पेड़े जैसे डो बनाकर रेडी कर लेने।
ये देखिए मैंने आटे को अच्छे से सख्त गूंद लिया है और मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से रख दिया है। अब हम इसको 2 घंटे या 3 घंटे आपके पास जितना टाइम हो ढक कर छोड़ देंगे। अब मैं आ गई हूँ छत पे। मैं यहाँ पर मेरे पास एक सिलबट्टा जिस पर आटा कूटेंगे और एक घी लिया है मैंने। इस पर अच्छे से घी इसको लगा कर इसके ऊपर हम इसकी अच्छे से कुटाई करेंगे। कूटने के लिए आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, या तो आपके पास मूसली वगैरह हो या फिर जो भी अच्छे हेवी चीज़ हो। मेरे पास यहाँ पर ये हथौड़ा है, मैं इस पर घी अप्लाई करके इसी से अच्छे से कुटाई कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से हो जाता है, 4-5 मिनट तक हमें इस तरह से कुटाई करना है। बीच बीच में ज़रूरत लगने पर हमें घी अप्लाई करते जाना है ताकि ये चिपके नहीं। और देखिए अच्छे से कुटाई होने के बाद आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से इस तरह से खींच रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका एक रोल बना लेंगे और रोल बनाने के बाद इस पर हमें थोड़ा सा घी लगा देना है ताकि इस पर किसी परत ना आए एक्स्ट्रा। और फिर घी लगाकर हमें इसको रख देना है। इस तरह से हमें सारे जो हमारे लोई हमने तैयार की सबको कूटकर इस तरह से रख देना है। कूटने के बाद हमें क्या करना है कि एक थ्रेड लेना है, आप चाहे मोटा ले लें या फिर नॉर्मल जो आपकी रील्स रहती है उसका 3-4 बार फोल्ड करके थ्रेड ले लें और अपने पैर के अंगूठे में एक साइड लपेट कर दूसरे साइड इस तरह से आप इसकी लोई कट कर सकते हैं। आपको जितने बड़े पापड़ बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कट कीजिए, लेकिन मूंग के पापड़ छोटे साइज की ही लोई कट होती है क्योंकि ये पतले ज़्यादा बनते हैं। इसलिए मैंने इसके लिए एक पूरी की साइज से थोड़ी बड़ी लोई कट की है और आपके अकॉर्डिंग इसको देख लीजिए। और फिर देखिए इस तरह से घी अप्लाई करके हाथों में, अगर आपको बड़ी लगे यहाँ पर लोई तो आप उसको छोटी कर सकते हो, अगर छोटी लगे तो आप यहाँ पर उसको बड़ी कर एक डिब्बे में भरते जाइए घी लगा कर। ये पापड़ काफ़ी इजी बनाना है और टेस्टी भी बनते हैं। ये देखिए मैंने सारी लोई बनाकर रेडी कर ली है, अब मैं इसको बनाऊंगी। इसके लिए आपको इस तरह से धारी वाला यहाँ पर एक बेलन चाहिए होगा और एक लकड़ी का पटिया चाहिएगा। ये बेलन देखिए आप कुछ इस तरह से इसमें धारियाँ होती है, इसी तरह के बेलन से आप पापड़ बना पाएंगे। नहीं तो ये नॉर्मल जो रोलिंग पिन आपकी चपाती बनाने का होता है उससे नहीं बनते। और देखिए इस तरह से हमें पटे पर घी अप्लाई कर लेना है पहले, और थोड़ा सा घी हमें बेलन पर भी अप्लाई कर लेना है और इस तरह से इसको उठा उठा के बेलते जाना है। आप बेलते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस पर प्रेशर आप थोड़ा साइडों में दें, क्योंकि अक्सर पापड़ क्या होता है कि बीच में से मोटा रह जाता है और साइडों से भी मोटा रह जाता है, लेकिन जो सेंटर रहता है वहाँ से पतला हो जाता है। इसलिए आप हल्का प्रेशर लास्ट में दें और फिर बीच में हल्का सा प्रेशर दे, तभी आपका पापड़ जल्दी बनेगा। और इस तरह से ये थोड़ा बहुत फोल्ड होता है तो उसको सही करते रहिए और इस तरह से बेलते रहिए। स्टार्टिंग में जब बनाना आप स्टार्ट करेंगे तो शुरू शुरू में 1-2 पापड़ आपके थोड़े टेढ़े मेढ़े बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, पापड़ तो बनेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए तो काफ़ी अच्छे बनकर रेडी हो जाएंगे। इसको बनाना काफ़ी इजी है, बस आपको एक बार ये टेक्निक आनी चाहिए, फिर तो प्रैक्टिस होने के बाद काफ़ी अच्छे बन जाते हैं और खाने में तो पूछो ही मत कितने टेस्टी लगते हैं। आप इनको ढेर सारे बनाकर पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बस असर से इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको थोड़े से मॉइस्चर वाले रखने हैं तो आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप जब भी निकाल कर सेकेंगे या फ्राई करेंगे तो आपको एकदम ताज़े वाले पापड़ों का लुत्फ़ मिलेगा। शुरुआत में इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब ये धीरे धीरे आ जाता है तो काफ़ी इजी लगता है। अगर आपके पास घर के और मेंबर है आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अकेले बनाना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आप एक दो मेंबर की और हेल्प लेकर इजीली इनको बनाकर प्रिपेयर कर सकते हैं। आप थोड़े थोड़े अमाउंट में लेके आटा गूंदिए पहले 10-20 इस तरह से, और फिर आप बनाना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, आटे को आप जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना लेके गूंथ लीजिए और फिर ढककर रख दीजिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आटे को भी आप स्टोर करके करीब 6 महीने तक रख सकते हैं फ्रिज में या बाहर ही। पापड़ हमारा इतना बड़ा हो गया है ये देखिए, और आप इसको जितना पतला बना सके उतना पतला आप इसको बेलिए, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में और दिखने में भी।
ये देखिए आप साइडों में इस तरह से प्रेशर दीजिए तो ये अच्छा बनेगा। हल्का सा प्रेशर देना है हमें, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, और इसको घुमाते जाना। बीच बीच में आप यहाँ पर घी अप्लाई कर सकते हैं अगर ज़रूरत लगे या ये चिपके। अगर आपका आटा यहाँ पर थोड़ा सा गीला भी हो जाए ये चिपके, तो आप क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे पापड़ बनाकर इनको साइडों में डाल दें, ये हल्के सूख जाए, फिर इनको बड़ा बनाएं तो ये इजीली बन जाएगा। और आप फैन ऑन कर लीजिए तो उससे भी सूखते जाएंगे और हल्के गीले होने पर भी आपके पापड़ अच्छे से बनते जाएंगे। या फिर आप इस पर पॉलीथीन शीट बिछा सकते हैं, नीचे थोड़ा घी या ऑयल अप्लाई कर लीजिए और उस पर पॉलीथीन शीट लगा लीजिए और फिर उसके ऊपर ऑयल या घी लगा कर आप पापड़ बेलना शुरू कीजिए, तो इससे भी आपके पापड़ बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और इजीली बन जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा पतला ट्रांसपेरेंट सा मेरा पापड़ बनकर रेडी हुआ है। नीचे मेरे हाथ की उंगलियां वगैरह इसमें दिख रही है, मतलब ये काफ़ी अच्छा बनकर रेडी हुआ है। इस तरह से आप किसी कपड़े पर इनको रखते जाइए, धीरे धीरे जैसे ये हल्के ड्राई होंगे 5-10 मिनट बाद आप फिर इनको इकट्ठे करते जाइए, नहीं तो ये मुड़ने लग जाएंगे। फिर इनको सारों को हम बनाते जाएंगे और फिर इकट्ठे करके यहाँ पर हमें रखते जाना है, इनको ऐसे ही अभी खुला नहीं छोड़ना है। इस तरह से हम सारे पापड़ यहाँ पर बनाकर रेडी कर लेंगे और इनको इकट्ठे रखते जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे पापड़ बनाकर रेडी कर लिए और इनको बनाने में मुझे करीब यहाँ पर 3 दिन लगे हैं। 3 दिनों में मेरे 2.5 kg के सारे पापड़ बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैंने इनको ऐसे इकट्ठा करके और कपड़े से या पॉलोथीन से ढक कर रखी। आप इनको जिस तरह से रखेंगे वो उसी तरह से शेप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फैन ऑन कर देंगे, इनको धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। और वैसे इस तरह अभी समर सीजन है तो इनको तो धूप में बिल्कुल ही नहीं डालना है। इस तरह से एक कपड़े पर फैला दीजिए और अच्छे से फैन ऑन कर लीजिए और करीब 10-15 मिनट के लिए आप इनको अच्छे से ड्राई होने दीजिए। ये करीब इस तरह से मुड़ने लगेंगे और ये मैंने थोड़े गीले ही पापड़ रख लिए क्योंकि इनको हम ऐसे ही सेक के खाएंगे, ये ताज़े ताज़े अच्छे लगते हैं। और ये देखिए मेरे चने के पापड़ पहले से बने हुए हैं, इसी डिब्बे में ये मूंग के पापड़ इस तरह से ड्राई हो गए। अब मैं इसमें इनको स्टोर करके रखूंगी। आप इनको धीरे धीरे इस तरह से रखते जाएंगे फिर ये इनके नॉर्मल शेप में आ जाएंगे, क्योंकि ये अभी एकदम ड्राई है फैन में तो ये थोड़े मुड़ रहे, लेकिन ये धीरे धीरे बैठते जाएंगे और फिर इनके नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। इसको हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा हमें इनको प्रेस नहीं करना, नहीं तो टूट जाएंगे। बस हमें इस तरह से ढक्कन लगा देना है तो ये बैठ जाएंगे और इनके प्रॉपर शेप में आ जाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद जो हमारा आउटपुट निकल कर आता है काफ़ी अच्छा आता है। ये देखिए मैं आपको एक पापड़ रोस्ट कर दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा बनाया हमारा पापड़ और काफ़ी टेस्टी है। और ये देखिए एकदम वाइट है, सेकने पर बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा पापड़ बिल्कुल अच्छा बना है और जो हमने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसमें सामान ऐड किया था काफ़ी ठीक था। इसलिए आप इसी मेज़रमेंट से पापड़ बनाइए। आप इसमें नमक मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पापड़कार जिनको साजी के फूल भी बोला जाता है वो फिक्स ही डालिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।